हेलो दोस्तों, पीसीएन क्वेश्चन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए, हम लॉजिक गेट पढ़े थे, वो आप लोगों को याद है। लॉजिक गेट पूरा पढ़ा दिए हैं, लॉजिक गेट पूरा थ्योरी के साथ हम कंप्लीट करवा दिए हैं। लॉजिक गेट जो है वो लॉजिक गेट है टोटल, हम लोग लॉजिक गेट है ना, लॉजिक गेट जो है ये टोटल आपको थ्योरी के साथ पूरा कंप्लीट करवा दिए हैं। इससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पर या सब्जेक्टिव के तौर पर पूछा गया है एग्जाम में, है ना, एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपको पूछा गया है, 2009 से लेकर 2024 तक के जितना भी क्वेश्चन पूछा गया टोटल आज हम लोग करने वाले हैं। क्वेश्चन बैंक, है ना, बैंक वाला सारा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक भी है आपके लॉजिक गेट। तो चलिए इसको यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं बुआ, और आ जाइए सबसे पहला क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पर आते हैं। और सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका है ये है 2022 और बुआ 2014, दो बार का क्वेश्चन है, 2022 और 2014 दो बार का क्वेश्चन है बुआ, दो बार पूछा गया, एक ही क्वेश्चन को डबल टाइम, एक क्वेश्चन को दो बार पूछा गया है, पढ़िए, मल्टीपल टाइम रहता है सब क्वेश्चन। नंड गेट का संकेत क्या होता है बता सकते हो आप लोग? नंड गेट का संकेत इक्रम से कौन है बुआ? नंड गेट है। अच्छा इसमें बताइए नंड गेट में कौन कौन होता है? एंड गेट होता है। नंड गेट में कौन कौन है बुआ? देख लो, नंड गेट है ना, तो नंड गेट में कौन कौन है? तो नंड गेट में एंड गेट है, एंड गेट में नोट लगा रहता है। एंड गेट में देखिए आपको बताए थे थ्योरी में ए एन डी, इसमें इसका आकार डी जैसा रहेगा, तो इसका आकार तो सबसे पहले डी के जैसा हो जाएगा बुआ, इसका आकार जो है सबसे पहले डी के जैसा रहेगा, डी के जैसा, ऐसे डी के जैसा, और उसमें नंड गेट है ना, तो नोट लगल है उसमें, है ना, इसमें नोट होना चाहिए, तो एक में बुआ ऐसे रहेगा। तो कहां पर आपको इस तरह से कंडीशन दिया गया देख लीजिए, ऐसा कंडीशन कहां दिया गया है, नंड गेट का संकेत पूछा है, तो नंड गेट का संकेत कौन सा आपका मिल गया? सी वाला आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर सी हो जाएगा। 2022 और 2014 दो बार पूछा गया क्वेश्चन है, नंड गेट का संकेत कौन सा रहेगा, तो आपका आंसर इसमें सी आ गया बुआ, सी आ गया एकदम टोटल। लॉजिक गेट को बुआ, लॉजिक गेट को एकदम, है ना, टोटल कंप्लीट कर लिए, लॉजिक गेट को एकदम टोटल कंप्लीट कर लो, लॉजिक गेट को एकदम टोटल ए टू जेड कंप्लीट कर लेना है, लॉजिक गेट को ए टू जेड एकदम कंप्लीट कर लीजिए। चलिए आज अगला क्वेश्चन करो, नॉट गेट एवं और गेट की सत्यता सारणी आपको बताना है। नॉट गेट कौन कौन है? नॉट गेट और गेट, सत्यता सारणी बताइए। नॉट गेट में क्या होता था? ए है और इधर बुआ ए बार आपको मिलता है, सत्यता सारणी में ए है और ए बार मिलता है। चलिए ए के स्थान पे जीरो दे सकते हैं और वन दे सकते हैं, और ए बार कहने का मतलब जस्ट उसका उल्टा था, जीरो का उल्टा वन और वन का उल्टा जीरो, याद है, हाल ही में सब पढ़ा दिया, हाल ही में सब पढ़ाया है। ये किसका हो गया बुआ? और गेट का, सॉरी, ये किसका हो गया? नॉट गेट का। किसका हो गया बुआ? नॉट गेट वाला का। तो नॉट गेट का बुलियन व्यंजक आपका, सॉरी, नॉट गेट का बुआ सत्यता सारणी आपको हो गया है, साथ साथ बुलियन व्यंजक भी आपको चाहिए। बताइए नॉट गेट का बुलियन व्यंजक क्या होता है? तो नॉट गेट के लिए बाई बराबर ए बार इसका बुलियन व्यंजक हो जाता है, बाई बराबर ए बार, बाई बराबर ए बार। तो चलिए नॉट गेट का हो गया बुआ सत्यता सारणी और बुलियन व्यंजक, सत्यता सारणी और बुलियन व्यंजक। अब आ जाते हैं और गेट पर, एक बार बताइए और गेट में क्या क्या था? और गेट में क्या रहेगा बुआ? बाई होगा, है ना, यहाँ पर ए होगा बी होगा, दो गो इसमें होता है ना, आपको बता रहे थे ए होता है बी होता है, इधर बाई बराबर होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए प्लस बी, इस तरह से रहेगा। चलिए इसको पूरा करते हैं, वो कैसे कैसे पूरा किया जाए, किस प्रकार से पूरा करें बताइए, कैसे कैसे इसको पूरा किया जाए, जल्दी जल्दी इसको पूरा कर लीजिए अगर जानते हैं तब बताओ। जीरो जीरो लेंगे, वन जीरो लेंगे, जीरो वन लेंगे, वन वन लेंगे, यही तो कंडीशन होता है ना, यही तो कंडीशन आपका है इसमें, कंडीशन तो यही है बुआ। अब एक बात बताओ ना, जीरो और जीरो को जोड़ेंगे तो कितना होगा? जीरो होगा। एक जीरो को जोड़ेंगे, चूंकि ऐड करना है, जोड़ना है इसमें, तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका बताइए, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा देख लो, एक जीरो को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? एक आ जाएगा। जीरो एक को भी जोड़ना है तो एक ही आएगा। वन वन को जोड़ेंगे तो टू आएगा, नहीं टू नहीं, यहाँ पर लॉजिक टू समझता ही नहीं है, तो वन वन, वन प्लस वन बराबर वन, यहाँ पर वन आपको लिखना पड़ जाएगा। ये तो आपको समझाए थे, हाँ प्लस हाँ बराबर हाँ, कबूल है प्लस कबूल है बराबर कबूल है, बात ये था। और इसका कहा गया हुआ क्या कि इसका बुलियन व्यंजक, बुलियन व्यंजक है ही बाई बराबर ए प्लस बी, बाई बराबर क्या होता है? ए प्लस बी। और गेट का बुलियन व्यंजक बाई बराबर ए प्लस बी, बाई बराबर ए प्लस बी होता है हुआ और गेट का बुलियन व्यंजक, सब पढ़ावल है। देखिए कितना आसान आसान सा क्वेश्चन आपको पूछता है। अब आ जाइए अगला क्वेश्चन यहाँ दिया गया, पढ़ो, कहा गया नॉर द्वारा का बुलियन व्यंजक, देखिए नॉर द्वारा का बुलियन व्यंजक, एक तो बुआ ए है ना, नॉर द्वारा का बुलियन व्यंजक कब का पूछा गया है देख लो, तो 2022 में 2016 दो बार, रिपीटेड क्वेश्चन है, 2022 से 2016 दो बार पूछा गया, दो बार पूछा गया, बता दीजिए इसका आंसर क्या रहेगा? दो बार पूछा गया नॉर द्वारा, चलिए थोड़ा सा हट गया है, देख लेते हैं, आ जाओ,
हाँ यहाँ पर क्वेश्चन है, चलिए नोर द्वारा का बोलियन व्यंजक पूछा गया है ना, तो बताइए नोर वाला का क्या रहेगा। नोर, तो नोर में कौन कौन है बुआ, जल्दी से बोल दो, नोर में कौन कौन है, नोर में कौन कौन है। तो नोर वाला में है बुआ, जो यहाँ पर नोर गेट होता है, नोर गेट है, नोर गेट में और गेट है ना, पहले और गेट है, इसमें नोट लगल है, तो और गेट का क्या होता है, ए प्लस बी होता है, आ इसमें एन लगल है ना, तो ए प्लस वी बार, ए प्लस बी बार कौन सा, बाय बराबर ए प्लस बी बार। यहाँ देखो आपका ए वाला आंसर है, बाय बराबर ए प्लस बी बार हो जाएगा, बाय बराबर ए प्लस बी बार हो जाएगा, क्लियर है। y बराबर ए प्लस बी बार कहाँ है, y बराबर ए आपका यहाँ पर हो जाएगा ना, ए प्लस बी बार d में आपका ऑप्शन में है, d वाला में है। अगला क्वेश्चन में आ जाओ, सब एकदम बेसिक है, अगर लॉजिक गेट नहीं पहले पढ़े हैं ना तो आपको ध्यान रखना, लॉजिक गेट का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, पहले उसको एकदम डिटेल में पढ़ लीजिए, उसके बाद यहाँ देखिएगा आपको टोटल समझ में आएगा। नंड गेट है ना, नंड द्वारा को समझाना है, तो नंड गेट में क्या होता है बताइए, नंड गेट जो है एन ए एन डी, यही तो है बुआ। तो एक ऐसा लॉजिक गेट जो नॉट गेट, पहले देख लो इसमें नॉट गेट है, एन ओ टी नॉट वाला, और एंड गेट दोनों से मिलकर बना हुआ, एंड गेट दोनों से, इतना लिख देना है कि वैसा लॉजिक गेट जो नॉट गेट और एंड गेट दोनों से मिलकर बना हो उसको नंड द्वारा कहते हैं, और ए द्वारा का इसमें आपको पूछा गया था। क्या परेशानी है ना, एक ऐसा लॉजिक गेट है जिसमें नॉट गेट है और एंड गेट दोनों है, तो उसको नंड गेट हम लोग कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कौन सा लॉजिक गेट है, बता सकते हो ये कौन सा लॉजिक गेट, 2020 का पूछा गया क्वेश्चन है, वो बोर्ड एग्जाम 2020 से पूछा गया है, कौन सा लॉजिक गेट है, डी जैसा संरचना लग रहा है, वो डी जैसा लग रहा है, देख लो यहाँ से सीधा इसे है, एक बार ऐसे करके घुमा दिया है, यहाँ ए दिया है, यहाँ बी दिया है, या ए डॉट बी भी दे रहे हैं, तो बताइए ना ए डॉट बी किसका होता है, ए है ना एंड गेट का होता है, किसका होता है बुआ, एंड गेट का, ए एन डी, ए एन डी है बुआ, ए एन डी है, एंड गेट का है, एंड गेट, तो बताना है कि कौन सा है, तो एंड गेट आपका है, एंड गेट का ही होता है, एंड गेट का ही तो होता है बुआ, ए एन डी, एंड गेट का ही संरचना डी जैसा होता था, डी जैसा है। चलिए अगला क्वेश्चन क्यों आ जाते हैं बुआ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, अगला में यहाँ दिया नंड द्वारा का बुलियन व्यंजक होता है, चलिए देखिए नंड द्वारा का बुलियन व्यंजक पूछा गया, कब का पूछा है देख लीजिए, 2019 2017 दो बार पूछा है, नंड गेट का बुलियन व्यंजक क्या रहेगा बताइए, एंड गेट का होता है ए डॉट बी, एंड गेट का होता है ए डॉट बी, अवक्रम में नहीं लगल है तो ए डॉट बी बार, ए डॉट बी बार कौन सा आंसर, ए डॉट बी बार आ गया है, देख लो ए डॉट बी बार हो गया है, ए डॉट बी बार हो गया हुआ, ए डॉट बी बार हो गया है, ए डॉट बी बार हो गया, देख लीजिए ए डॉट बी बार है, कोई परेशानी से हमें होनी नहीं चाहिए, कोई परेशानी से हमें नहीं होनी चाहिए बउआ। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या दिया गया 2019 में, 2019 का क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या कहा गया है, 2019 वाला क्वेश्चन पढ़ो तो बउआ, और गेट और एंड गेट की सत्यता सारणी आपको बताना है, बुलियन व्यंजक लिखना है, तो और गेट का बुलियन व्यंजक ए प्लस बी होता है बउआ, और गेट का बुलियन व्यंजक ए प्लस बी होता है, एंड गेट का ए डॉट बी होता है, ए डॉट बी होता है, यही तो है बुआ, और गेट का बुलियन व्यंजक ए प्लस बी होता है, और गेट का बुलियन व्यंजक क्या है ए प्लस बी है, और गेट का क्या होता है ए डॉट बी होता है, लिख देना है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, कहा गया है कि इसकी सत्यता सारणी भी आपको लिखना है, दो नंबर पूछा था सत्यता सारणी चाहिए आपको, तो बताओ ना सत्यता सारणी कैसे आप लिखिएगा, इसके सत्यता सारणी और गेट का सत्यता सारणी अभी लिख के आपको बताया था, और गेट का सत्यता सारणी ए है बुआ, बी है, इधर है बाई बराबर ए प्लस बी, यही ना है, ए है बी है ए प्लस बी है, चलिए आ जाइए ए है बी है ए प्लस बी है, बताओ कैसे कैसे क्या क्या लिखोगे बताओ, यहाँ है 0 0 बुआ, यहाँ 1 0 है, 0 1 है, 1 1 है, यही तो है, जोड़ो 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा, 1 0 को जोड़ेंगे 1 आएगा, है ना, 0 1 को जोड़ेंगे 1 आएगा, 1 1 को जोड़ेंगे तो 1 ही लिखेंगे, अभी तो बता रहे थे कि इसको 1 ही लिखा जाता है, 0 नहीं लिखते हैं। अच्छा और एंड गेट में आ जाइए, तो ये तो और गेट का हो गया, एंड गेट का आइए, एंड गेट जो होता है वो एंड गेट में क्या रहेगा, यहाँ ए है, इधर बी है, इधर बाई बराबर ए डॉट बी है, ए डॉट बी, यही तो है, देख लो तो ए डॉट बी है, सही है बुआ। चलिए इसको जल्दी से अगर जानते हैं तो पूरा कीजिए, हाल ही में सब पढ़ा दिए हैं, जल्दी से इसको पूरा कर लेना है बुआ, पूरा कीजिए जल्दी से, इसको जल्दी से पूरा करना है आपको, जल्दी से पूरा कीजिए, बताइए यहाँ क्या लेंगे, 0 0 पहले ले लेते हैं, फिर बोलो हो 1 0 ले लेंगे बुआ, फिर बोलिए 0 1 ले लेंगे, फिर बोलो 1 1 ले लेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, गुना करना है इसमें, देखो ए इंटू बी दिखा है, डॉट दिया है, गुना करना है, गुना करो 0 0 0 1 1 में 0 से गुना करेंगे तो 0 आ जाएगा, 0 में 1 से गुना करेंगे भी 0 होगा, और 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, क्या दिक्कत आपको, देख लीजिए, तो कोई परेशानी समय नहीं होनी चाहिए, सब पीछे पढ़ावल है, सब पीछे पढ़ावल है, दिक्कत है जाके पढ़िए, है ना, दे दिए हैं लिंक वहां पर। चलो अगला क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड गेट बताना है कि एकरा में बउआ, एंड गेट
कौन सा आपका एंड गेट है, लो बताओ तो कौन एंड गेट है जो आपको बताना है, कौन सा इसमें एंड गेट है, कौन सा चित्र एंड गेट जैसा लग रहा है आपको, कौन सा चित्रबा जो है बुआ ना वो एंड गेट आपको लग रहा है, एंड गेट आपको कौन सा लग रहा है जल्दी से बताना है आपको, एंड गेट कौन सा ये है, ये देखो तो एंड गेट जैसा है, ये हो गया आपका एंड गेट। तो अगर ऐसे भी आप लिखिएगा, मान लीजिए आपको ऐसे लिखना है कि सर कौन कौन सा गेट है बता दीजिए, तो ये बता दो कौन सा गेट है, तो एंड गेट हो गया, देख लो डी जैसा लग रहा है, ये देखो हाफ चंद्रमा जैसा लग रहा है, इसे चंद्रमा जैसा घुमा दिया है, तो चंद्रमा जैसा घुमा देता है तो वो और गेट है, कौन सा है और गेट है आपका, इसमें देखो एंड गेट में ही लगा दिया है नॉट, तो नॉर गेट आपका हो गया बउआ, इसको देख लो बउआ ये और गेट है उसमें नॉट लगल है, तो और गेट में नॉट लगा दिया नॉर गेट हो जाएगा। तो ये सब लॉजिक गेट का चित्र है बउआ, देख लो ये सब लॉजिक गेट का चित्र है, लॉजिक गेट का चित्र है बउआ, लोग लॉजिक गेट का चित्र है, सबको ध्यान रखना है लॉजिक गेट का सबका चित्र है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर आ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन हां तो इंड हो गया बउआ, इंड हो गया है, ये सब था आपका लॉजिक गेट, तो लॉजिक गेट जो यहां पर था अभी तक जितना पूछा था सब करवा दिए हैं, है ना, टोटल का टोटल वो करवा दिए हैं, लॉजिक गेट को एकदम कंप्लीट कर लीजिए, टोटल लॉजिक गेट को एकदम है ना ध्यान रखिए, टोटल पढ़ लीजिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है लॉजिक गेट बउआ, एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इसे पूछता है, तो आपको ध्यान रखना है, क्लियर है। चलिए तो इसको रहने देते हैं बउआ, नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है। चलो एक बार सबको लाइक कर देना है, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।